पांडुक शिला पर श्रद्धालु ने किया श्री जी का अभिषेक। अभिनंदनोदय तीर्थ से विमान जी में विराजित निकली श्री जी की शोभा यात्रा। आपको बताते चलें कि ललितपुर में भगवान महावीर के 2623वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के अभिनंदनोदय तीर्थ से श्री जी की भव्य शोभा यात्रा बरनी जैन कॉलेज की भूमि पांडुक शिला पर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने श्री जी का अभिषेक कर धर्म लाभ लिया। आज प्रातःकाल अभिनंदनोदय तीर्थ से विमान जी में विराजित श्री जी की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निर्धारित मार्ग से होते हुए श्री वर्णी जैन कॉलेज की भूमि स्थित पांडुक शिला पर पहुंची, जहां प्रतिष्ठाचार्य पंडित संतोष अमृत के मार्गदर्शन में अभिषेक आदि की मांगलिक क्रियाएं हुईं। इस जनपद में एकमात्र वर्णी जैन इंटर कॉलेज था, जिसमें इस जनपद के प्रत्येक परिवार के किसी न किसी सदस्य ने उस इंटर कॉलेज में शिक्षा पाई है। एकमात्र शिक्षा के क्षेत्र में पूरे जिले में वर्णी जैन इंटर कॉलेज ही था। सारा सर्व समाज को उस विद्यालय से, उस कॉलेज से, उस स्कूल से शिक्षा प्राप्त हुई है। आगे भी जैन समाज का उद्देश्य इस जनपद में शिक्षा के अंधकार को दूर करने का है। ये पूरी भूमि पर शिक्षा के आलय बनने हैं। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। शीघ्र निर्णय आने पर राजस्व रिकॉर्ड में इस प्रकार ये भूमि सदैव निर्विवाद वर्णी कॉलेज समिति के नाम से रही है। आज भी दर्ज कुछ परिस्थितियां हैं। हम सब ऐसी भावना है कि जल्दी से इसका निराकरण हो और यहाँ पर जल्दी से जल्दी शिक्षा के आलय बने और इस जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में जागृति आए, ऐसी हम सब की भावना है। प्रतिवर्ष हम पिछले लगभग 20 वर्ष से निरंतर यहाँ पर आकर के इस भावना के साथ श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं कि ऐसी वर्गणाएं, ऐसी अनंत वर्गणाएं यहाँ से फैले कि जो भी यहाँ के परेशानियां हैं वो दूर हो, सारे विवाद पक्ष में हो और हम यहाँ पर अपना जो उद्देश्य है शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण कर सके, ऐसी भावना के साथ महावीर जयंती पर उपस्थित सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये महावीर जयंती सब परिवार आपके जनों को मंगलमय हो। सभी को जय जय। श्री जी की शोभा यात्रा हम लेकर यहाँ आते हैं और पांडव किला पर भव्य अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष और निरंतर चल रही है। किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति हम अपने मन में ना रखें। हम अपने धर्मायतनों को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और समुचित प्रयास करते हैं।